डोबा के गांव बाखली खुर्द के पास लगते 4 नंबर प्लॉट में एक किसान द्वारा दूसरे किसान का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। किसान हरभजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए कहा कि मामला खेतों में रास्ते के बारे में है, जो कि मामला दीवानी का है। मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण पेशी 1 अक्टूबर 2020 की लगी हुई है। इस मामले में आगामी कार्यवाही अदालत के आदेश के बाद ही अमल में लाई जाएगी। मैं हरभजन सिंह, प्लाट नंबर 4 बाखली। हमने 2017 में हमने अपील तहसीलदार को अपील करी थी, जिसमें हमारा तकसीमी रास्ता हमारे को लॉ किया गया और हमारे अलग अलग पूरे बने गए। उसके बावजूद भी ये लोगों ने हमारे साथ बहुत धक्का कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरे को प्रॉब्लम पड़ गई तो मैंने सिविल कोर्ट, सिविल जज के न्यायालय के लिए अपना केस अप्लाई कराया, जो कि मेरे को 2018 में मेरे को स्टेटस को मिल गया। और उसके बावजूद हम वकीलों की बहस होने के बावजूद मेरे को स्टे ऑर्डर लागू किया गया। आज भी मौके पर मैं हर जगह अपील की है। मैंने डीसी को दरख्वास्त दिया, एसपी को दरख्वास्त दिया, थाना अध्यक्ष पेवा को दरख्वास्त दिया और खुद मिला इनको जाकर। सभी को मैंने अपील करी कि मेरे को रास्ता नहीं दे रहे, मेरे को धमकी दे रहे हैं, मारने की मेरे को धमकी देते हैं। और तो हमारे ऊपर एक बार इन्होंने पहली बार वार करा हुआ है, जिसकी FIR नंबर 104 है, वो रिकॉर्डेबल है थाने के अंदर। और आज भी हमारा रास्ता ब्लॉक है, रास्ते के अंदर चरी बीज रखी है इन्होंने, और रास्ते के अंदर इन्होंने चरी बीज रखी है। तो मैं फिर पत्रकारों को मजबूरन मैं पतली राम पुत्र भारू राम जाट बाखली जिन्होंने चरी बीज रखी है, ये देखो डेढ़ किले के अंदर चरी है, मैं कहाँ से लखूँ। मैंने सभी लोगों को बड़े बड़े पदाधिकारी, DC, SP, पुलिस थाना अध्यक्ष, सभी को मैंने अपनी अप्रोच किया भी, मैंने अपने बारे बताया भी मेरा आज भी रास्ता बंद है, मेरे खिलाओ। मैं अपील करता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसका मौका देखो और इनके साथ कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो इनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें 2-3 साल से बहुत तंग कर रखे हैं। हम नॉर्मल आर्मी के एक्स मैन हैं, हमारी फैमिली फैमिली गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, हम कभी गलत काम नहीं करते। अगर हमारी कोई भी गलती है तो हम उसके सजा के हकदार हैं, नहीं तो इनके साथ अंगेस्ट कार्रवाई करी जाए। ताकि ये मौके पर मैं पत्रकार को ले गया, अभी मौका दिखाया है, मौके की कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। मैं पाली राम गांव बाखली जी, हरभजन सिंह, गुरचरण सिंह और ये सवर्ण सिंह, ये 3 भाई हैं जी। तकसीम हुई थी हमारी 2 साल पहले, 3 साल पहले संजी खेवड़ थी, इन्होंने आप तकसीम कराई, आप ही इन्हें रास्ता लगवाया, जहाँ का लगवाया ये रास्ता जी इधर से जमीन से आ रहा, और ये रास्ता यहाँ द्वार मांगो सड़क पे चल रहा आगे सड़क है जी, ये आगे से रास्ता बंद कर इन्होंने, ये आगे रास्ता नहीं खोल रहे, इस करके इस वजह से रास्ता बंद है जी। मैंने इनके बार बार परेशान हो गए, इन्हें रास्ता खोले ने आगे से, मैंने कंपरेली पुली लगवाई जी अपनी नहर थी उस पर जमीन पे, नहर वाले ने कभी भी इसको उठा सकते हैं, असली रास्ता जो ये छोड़ नहीं रहे जी, ये मेरे ऊपर झूठे रोप लाते रहे। जैसे भी रास्ता है था कोई बीज रहे थे बीज रहे हैं, जो खाली रहा खाली आ जी पैसे हुआ, ये मेरी भी दुआर है जी, मैंने अपनी दार दुआर उठा भी ली और इन्होंने अपनी उठाई नहीं पीछे से, मेरे से कहने लगे तुम उठा दे हम भी उठा लेंगे, मेरी दुआर गिरा दी, आगे से आपने उठाई नहीं है मेरी, ये 2 कनाल जमीन मेरी है जी, इधर सड़क पे चल रहा है जी रास्ता, उधर से देख लो 16 फुट का रास्ता है जी, आगे चो में कटा हुआ, अगर रास्ता खुलवाना भी है नशैनदेही कानों को पटवारी से नशैनदेही लेके जी खुलवा लो आगे से, जहाँ से रास्ता चल रहा है जहाँ तक है नशैनदेही ये लेते नहीं जी, रास्ता बता दे रहा इधर को इधर वो क्या पता भी रास्ता जी 4 फुट इधर है उधर है, नशैनदेही लेंगे जब भी पता चलेगा जी।